एक ये बताओ, एक हमारी लड़ाई हुई थी वहां पे बांग्लादेश के लिए सौम्य सरकार के साथ। इतना क्या हीटअप हो गया? अंडर 23 नहीं हो रही थी, कोविड की वजह से 25 कर दी थी बीसीसीआई ने, तो मैं 25 वनडे नहीं खिलाया था, मतलब मेरे को दिल्ली ने, मतलब मेरा 60 में भी नाम नहीं था। वीआर शुरू से आपको बताइए बॉलरों का होता ही है बैटिंग करने का, सबको वो होता है कि बैटिंग करनी है। तो मैंने देखा सारे बॉलरों में ना एक होता है कि बैटिंग करा दो, विजुलाइजेशन वगैरह करते हो। भैया इतनी नहीं करता, बस थोड़ी देर सोचता हूँ कि मुझे क्या करना है मैच में बस। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ सेकंड इनिंग्स विद मंजोत कालरा। आज आए मेरे साथ एक ऐसे गेस्ट जिनकी बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है, जो कि एक नेट बॉलर से सीधा केकेआर के लिए पिक हुए। एंड आई गेस इससे ये सीखने को मिलता है कि क्रिकेट में आपको कभी भी चांस मिल सकता है। तो लेट्स वेलकम हर्षित राणा। रिमेंबर दिस मोमेंट मंजोत एंड ही डिलीवर्स विद 100 इन स्टाइल। वेलकम टू द शो हर्षित भाई, और थैंक यू भाई, इतना शॉर्ट नोटिस पे आए आप और वो भी प्रैक्टिस के बाद। तो मैं चाहता हूँ यार आप हमारी ऑडियंस को बताओ कि आपकी क्रिकेट जर्नी कैसे शुरू हुई। भैया क्रिकेट जर्नी ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब मेरे को क्रिकेट खेलना ही था शुरू से, और ना मतलब कुछ ऐसा था कि पापा ने बोला हुआ था कि हाँ क्रिकेट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बच्चे तो सब खेलते हैं गांव में, मतलब मैं गांव से था तो सब मतलब स्कूल के बाद सब कॉस्को क्रिकेट खेलने चले जाते थे, तो मतलब था एक ऐसा स्पोर्ट्स का माहौल था घर में कि पापा स्पोर्ट्स खेलते थे तो स्पोर्ट्स के प्रति मतलब वो था कि हाँ सबको पसंद है। तो मतलब स्कूल हमारे वो गंगा इंटरनेशनल स्कूल में प्रैक्टिस होती थी हमारी। कौन सी एज में स्टार्ट करी? 7th क्लास में स्टार्ट करी थी मैंने क्रिकेट खेलना। तो वो ऐसा था कि मतलब मेरा एक बेस्ट फ्रेंड होता था कि उसके साथ ही घूमता था मैं मतलब 7th क्लास तक, तो वो उसने बोला एक दिन कि चल प्रैक्टिस देखने चलते, स्कूल में क्रिकेट की प्रैक्टिस होती थी हमारे, तो ईशांत शर्मा जब उस टाइम पे खेले हुए थे तो हाइप थी हमारे स्कूल की, तो हम ऐसे ही देखने रुक गए। तो मतलब फिर घर से स्कूल को फोन गया कि बच्चा घर पे नहीं आया अभी तक, तो फिर क्या नाम है उनको बताया कि ऐसे ऐसे बच्चे तो मतलब यहीं रुके हुए हैं आपके, तो फिर पापा लेने आए शाम को कि तुम क्या कर रहे थे यहाँ पे, तो हमने बताया कि कुछ नहीं ऐसे ही प्रैक्टिस देखने रुक गए थे। तो फिर उन्होंने तब सिर्फ देख ही रहे थे। हाँ सिर्फ देख रहे थे, मतलब हमें बस यूं था कि क्रिकेट देखना है कि कैसे होती है लाल बॉल से क्रिकेट, कैसे खेलते हैं लोग ये वाइट कपड़े पहन के सब, ऐसे तो शौक था बस वो देखने का, वो देखा था। तो फिर अगले दिन ही पापा ने ऐसा मतलब मेरे को बिना पूछे कुछ मेरे पापा ने मेरे को बोला ठीक है तुझे क्रिकेट खेलना अगर देखना पसंद है तो तू खेलना स्टार्ट कर दे। और फिर बचपन में तो फिर वो चीजें तो कभी देखी नहीं थी, तो हमें भी यूं था कि हाँ चलो चलो एकेडमी चलते हैं, तो ऐसे स्टार्ट हुआ था क्रिकेट। इंसिस्ट पापा ने किया कि हाँ जी हाँ जी भैया, कोई रोक टोक नहीं थी? नहीं कभी नहीं भैया, किसी चीज की कोई रोक टोक नहीं, मतलब मैं तो ये बोलूं आज मैं जो भी हूं अपने पापा की वजह से हूं। बहुत बढ़िया बात है भाई। और फिर प्रैक्टिस वगैरह करना कहाँ पे शुरू किया, बॉलिंग वगैरह किसने? प्रैक्टिस भैया क्या नाम है स्कूल से ही स्टार्ट करी थी, स्कूल में ही प्रैक्टिस जाते थे हमारी, 3 दिन प्रैक्टिस होती थी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो 3 दिन प्रैक्टिस करते थे बस शुरू में, तो वही 3 दिन। और पढ़ाई में कैसे था? पढ़ाई में भैया मतलब शुरू से ही ऐसा कुछ था ही नहीं, मतलब कि पढ़ना इतना है, पढ़ाई पसंद ही नहीं थी इतनी। फिर धीरे धीरे भाई आपकी जर्नी आगे बढ़ती रही, फिर जो फर्स्ट टाइम प्रोफेशनली कब घुसे क्रिकेट में? प्रोफेशनली भैया मैं दिल्ली के लिए सीधा 19 खेला था, 14-16 कुछ भी नहीं खेला था, 19 खेला था वनडे। और उसके बाद तक के मतलब इसके टाइम में जो फेस था, कभी सोचा था कि आगे जाके इतनी क्रिकेट मिलेगी? मतलब मेरे को वो इतना बिलीव नहीं था जितना मेरे पापा को था, वो मेरे को हमेशा बोलते थे कि तू अपने बस काम पे ध्यान देता रहे, तू खेले ना खेले मुझे उस चीज से मतलब नहीं है, बट अगर तुझे पसंद है ये चीज करना तो बस उस चीज पे ध्यान दे तू खेल जाएगा। मुझे वो नहीं था कि हाँ मैं इतना लेवल पे क्रिकेट खेल जाऊंगा। जैसे एक हर बंदे का वो होता है एक सपोर्ट करने वाला है बॉलिंग वगैरह, ये नहीं होता कि शुरू से ही आ जाती है, कोई गाइड करने वाला था इस जर्नी के बीच में? भैया जनरल नहीं बताऊं तो जब तक मैं स्टेट खेला नहीं था तब तक तो मेरे को ऐसा कुछ था नहीं कि कोई, मतलब मेरे पापा स्पोर्ट्स खेलते थे तो उन्हें स्पोर्ट्स के बारे में बहुत पता है, तो मेरे को वही कराते थे, जैसे 3 दिन प्रैक्टिस होती थी स्कूल में पापा ही प्रैक्टिस कराते थे। हाँ थर्सडे फ्राइडे सैटरडे जिस दिन प्रैक्टिस नहीं होती थी उस दिन पापा प्रैक्टिस कराते थे। उन्हें थी क्रिकेट की नॉलेज, उन्हें यूं था कि टीवी पे देखा हुआ था वही कराते थे, जो बताते थे बस जो उन्होंने देखा वही बताते थे, वही बताते थे भैया। तो फिर उस चीज से हेल्प मिली? मतलब ये नहीं कहूंगा कि बॉलिंग में हेल्प मिली, बट हाँ मतलब एक स्पोर्ट्समैन का जो करियर होता है मतलब जैसे वो खेलता है उस चीज में मेरे को बहुत हेल्प मिली कि कैसे क्या करना है। फिर जब 19 में फर्स्ट टाइम लाया वो खुशी तो बहुत हुई होगी ना? 19 में मतलब आप मानोगे नहीं भैया ये बात, मेरे पापा मेरे को कभी वो नहीं बोलते कि हाँ शाबाश, मतलब बोलते ही नहीं कभी वो, उन्होंने मेरे को एक चीज बोली हुई है कि जिस दिन इंडिया खेलेगा
उस दिन बोलूंगा, उससे पहले नहीं बोलूंगा। मैं इंडिया तो आप जरूर खेलोगे, ज्यादा दूर नहीं है इंडिया आपसे। थैंक यू भैया, मेरी विशेष साथ में ही है। फिर और बताओ कि इस जर्नी के बीच बीच में कोई ऐसा, हर किसी का एक मेंटोर होता है क्या, जिसे देख के इंस्पायर हो या सीखने को बहुत कुछ मिला हो या हेल्प करी हो आगे खेलने में? हाँ जी, जैसे मतलब मैं अभी 19 खेला, तो उस साल पहले मैं पहली बार मैं नेगी भैया से मिला था। वो हमारे उस टाइम पे फील्डिंग कोच थे टीम के, तो वो मेरे को मतलब उन्होंने मेरे को, हाँ जी एनएस नेगी, तो उन्होंने मेरे को पहली बार वहां पे देखा था, और मैं भी उनसे पहली बार ही मिला था वहां पे, क्या नाम 19 की टीम में, दिल्ली की टीम में। तभी से मतलब वो मेरे पे मतलब काफी ध्यान देते हैं कि तुझे क्या करना चाहिए लाइफ में, लाइफ को लेकर, क्रिकेट को लेकर, बॉलिंग को लेकर, और जो भी चीजें होते हैं काफी समझाते हैं मुझे वो, मतलब उनका काफी इम्पोर्टेंट। हाँ जी, हाँ जी भाई, ये 19 स्टेट के खेलने से पहले क्लब क्रिकेट वगैरह का कैसे था, कहाँ से खेलते थे? क्लब क्रिकेट भैया मैं रोहतक रोड जिमखाना से ही खेलता था, शवन सर हमारे कोच थे, तो 14-16 वहीं से क्लब क्रिकेट खेली है। बट मेरा 14-16 इतना क्लब क्रिकेट रहा नहीं, क्योंकि 14-16 मैं 3 साल इंजर्ड ही रहा था सर, तो मेरे सर ने भी बोला था कि अब इंजरी में इतना क्रिकेट खेल भी नहीं सकते, क्योंकि डॉक्टर्स ने भी ये बोला था कि अगर आप खेलोगे तो आप मतलब लंबा नहीं खेल पाओगे, क्योंकि मेरे हिप जॉइंट में प्रॉब्लम थी जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया, तो डॉक्टर ने बोला कि अगर आप अभी क्रिकेट कंटिन्यू, हाँ जी क्रिकेट स्टार्ट करते ही मतलब 1 साल बाद मुझे प्रॉब्लम बड़ी होने लग गई थी, बॉलिंग में बहुत दर्द होता था, तो फिर डॉक्टर को दिखाया, तो फिर उन्होंने बोला कि अगर अभी आप मतलब थोड़ा अगर ब्रेक नहीं लेते हो और इस चीज का वो क्योर नहीं करते हो तो काफी प्रॉब्लम आएगी। तो फिर वो बीच के 1.5-2 साल मेरे ऐसे इंजरी में निकल गए 16 वाले, मैं ना कभी ट्रायल पे गया 16 के, ना उससे पहले आप तक ट्रायल्स वगैरह कुछ नहीं दिए थे, सीधा 19 के ही ट्रायल दिए थे, 14 के दिए थे, 16 के 2 साल नहीं दिए क्योंकि इंजरी में निकल गए, फिर सीधा 19 दिए थे। फिर सीधा जब 19 खेले, परफॉर्मेंस कैसी रही थी उसमें? परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही भैया, मतलब क्या नाम है, ट्रायल मैच मेरे बहुत अच्छे गए थे 19 के, उस बेसिस पे मेरा नाम आया था क्योंकि ट्रायल मैच में मैंने बहुत अच्छी बॉल डाली थी, तो मुझे ये था कि हाँ जैसी मेरी ट्रायल मैच में बॉल डल रही है तो वैसी डलेगी डलेगी वहाँ पे स्टेट में। बट मुझे अभी भी याद है, मतलब 19 का मैं पहला मैच खेल रहा था, तो पहले ओवर में मैंने 5 विकेट फेंकी थी, और मैं, हाँ जी, और मैं रो रहा था, मतलब क्या नाम है, पहला ओवर फेंक के, तो जैसे खेले थे पहले वनडे, हाँ जी वनडे 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 खेला था मैं, और वो पहले ही ओवर में मैंने 5 विकेट फेंकी थी, और मतलब ऐसे बिल्कुल रोने वाली हालात थी कि मैं क्या फायदा मतलब मेरा खेलने का, कि मैं विकेट फेंक रहा हूँ और मैं पहला ओवर फेंक रहा था, तो बहुत बुरी फीलिंग थी, हाँ कि क्या करूं, मुझे ही नहीं पता चलता था कि बॉलिंग अच्छी नहीं हो रही, कैसे फेंकू क्या करूं। बट ठीक है, वो मैच खत्म होते होते मुझे 3 विकेटें मिल गई थी एंड में, 2 और शुरू में 1 मिली थी, वो फिर 3 विकेटों ने थोड़ा सा वो कवर कर दिया उसे, बट मुझे यूं था कि नहीं यार वाइड फेंक रहा हूँ क्या फायदा, सेटिस्फेक्शन नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। फिर तो वो आगे खेलते खेलते हो गए, फिर आगे कैसी रही? फिर उस 3 ही मैच खेला था, दूसरे मैच में भी सेम काम हुआ, दूसरे मैच में भी मेरे को इतना ये नहीं हुआ कि हाँ मैंने, फिर एक मैं लास्ट मैच खेला था, बट मेरे को ऐसा नहीं हुआ कि मैं खेला नहीं खेला, मुझे ऐसा लगा बराबर ही था, कि मुझे यूं था ही नहीं कि मेरे को फायदा हुआ या मेरे को खुद को ऐसा नहीं लगा। फिर ये बॉलिंग में जो ड्रास्टिक चेंज आया, आई मीन स्पीड पहले से इतनी थी या बाद में? नहीं नहीं, मतलब थी, इतनी तो नहीं थी, मतलब थी 130-128 थी 19 के टाइम में, बट इतनी तेज नहीं थी जो अभी है, वो बाद में होता है। हाँ जी, या फिर 19 के बाद क्या खेली थी? 19 के बाद भी कोविड आ गया, 2 साल क्रिकेट बंद बिल्कुल, मतलब क्रिकेट ही नहीं हुई, और उसी साल मेरे को 2020 में L5 फ्रैक्चर हो गया बैक का, तो ये स्पीड बढ़ने का मेन रीजन वही था कि 1.5 साल मतलब 1 साल 4 महीने लगे थे मेरे रिकवरी में, और मैं क्रिकेट से बिल्कुल दूर था, मतलब मैंने क्रिकेट ही नहीं खेली 1.5 साल, सिर्फ रिहैब किया क्या नाम है अपने फिजियो के साथ, और वो रिहैब का पीरियड ऐसा था कि मेरे को मेरी पूरी बॉलिंग चेंज हो गई। अच्छा, उसके बाद ही करंटली जब मैंने क्रिकेट दोबारा स्टार्ट किया वापस करा, तब मेरी बॉलिंग स्पीड बहुत तेज हो गई थी, और उन 1.5 सालों में बॉलिंग बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कुछ प्रैक्टिस, कुछ नहीं, सिर्फ रिहैब ट्रेनिंग, सिर्फ रिहैब ट्रेनिंग। काफी अच्छा ट्रेनर पकड़ रखा था उसने। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। फिर जब आया 2020 में नाम आया था ना, उसके बाद सीधा? नहीं नहीं, उसके बाद क्या नाम है वो हुआ, क्या नाम है वो वाला साल था, तो 25 हो रही थी उस साल, Under-23 नहीं हो रही थी, कोविड की वजह से 25 कर दी थी BCCI ने, तो मैं 25 वनडे नहीं खिलाया था, मतलब मेरे को दिल्ली ने, मतलब मेरा 60 में भी नाम नहीं था, तो मेरे को बड़ा वो हुआ, मतलब मैंने ट्रायल पे ऐसी बोल डाली थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई इजी नाम आ जाएगा, बट मेरा 60 में भी नाम नहीं था ट्रायल मैच में भी,
तो इस फेज को आप ये कह सकते हो कि एक टाइम पे लो फेज था, क्योंकि 19 वो पहला साल अच्छा नहीं गया, फिर डेढ़ साल क्रिकेट नहीं हुई कोई भी, इंजरी भी हो गई, फिर उसके बाद जब बॉल डालने है फिर नाम भी नहीं आया। हाँ, तो मतलब कह सकते हैं इसको। तो मैं बहुत दुखी हुआ, तो मैंने पापा को बोला कि यार नाम नहीं आया बाबा, बट मैंने तो अपनी तरफ से पूरा अच्छा किया था, मेरे को था किया जाएगा, बट नहीं आया। तो फिर वनडे खत्म हुई, उसके बाद डेज के ट्रायल्स आए, तो मैंने ट्रायल मैच में पंजा लिया था, 5 आउट किया था ट्रायल मैच में डेज के, तब मेरा वहां से डेज में नाम आया था और फिर मैं 25 डेज खेला था। तो मैं बताता हूँ, जब तुम 25 खेल रहे थे और हम गए हुए थे सैयद मुश्ताक खेलने, हाँ जी, तो ऊपर बात तो चल रही थी कि हाँ भाई एक बॉलर आया हर्षित राणा, और ये मैं कुछ आप मेरे सामने बैठे हो तभी नहीं, तो उस टाइम मैं तब खेल रहा था, सुनने में आया था कि एक बॉलर आया बहुत क्विक है, मतलब तारीफ फर्क ही कर रहा था, बट यही है चांस कब मिले वहां पर, बट मिला बाग जाके। बिल्कुल। फिर एंट्री कैसे हुई सीनियर टीम में? 25 डेज में पहले नाम आया, 25 डेज खेला मैं, क्या नाम, 25 डेज के बाद स्ट्रेट अवे, मतलब मेरा उससे जीटी से नेट बॉलिंग की बात चल रही थी, मैं आईपीएल के बाद रणजी ट्रॉफी खेला हूं। अच्छा। तो उससे पहले नहीं खेला था, तो सैयद वगैरह भी नहीं, कुछ भी नहीं खेला था। तो 25 के बाद मैं नेट बॉलिंग करने गया था, तो तब फिर मैं आईपीएल खेला, उसके बाद मैं रणजी ट्रॉफी खेला हूं। तो भाई जब सीनियर्स वगैरह खेले भी नहीं और 25 ही खेल रहे थे, तो सीधा नेट बॉलर में एंट्री कैसे मिली? नेट बॉलर में एंट्री ऐसे मिली कि मतलब नेगी भैया ने देखा तो मुझे हुआ ही था, तो उन्होंने मुझे बोला था कि आईपीएल नेट बॉलिंग कर ले, मतलब सीखने को काफ़ी चीज़ें मिलेंगी, मतलब बड़े बड़े प्लेयरों के साथ रहेगा और आईपीएल का एक्सपोजर भी आपको पता ही है कैसा होता है, तो मतलब जितनी चीज़ें सीखने को मिले, उस टाइम पे तो ऐसा ही था कि कुछ भी मिल जाए सीखने को कि वही ठीक है, तो वो ऐसे था, क्योंकि देख रहा था क्योंकि वहाँ जो ऑब्वियसली बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इतने सारे सीनियर्स होते हैं, तो कभी आज तक किसी ट्रायल्स वगैरह पे भी नहीं भैया, कभी नेगी भैया की हेल्प से वहाँ पे गए? नहीं, वो उधर मुझे केकेआर में राणा भैया ने भेजा था, मतलब क्या हुआ था 25 खेलने से पहले क्या नाम है रणजी ट्रॉफी का कैंप लगा हुआ था, टीम बन चुकी थी, हाँ जी टीम बन चुकी थी, तो मैं ऐसे ही मतलब उन्होंने मुझे बॉलिंग करने के लिए बुला लिया था, डेज के वो चल रहे थे नेट्स, तो तब वहां मुझे नीतीश भैया ने पहली बार देखा था, और तो फिर देखा वेखा मुझे, मेरी इतनी बात नहीं हुई, वो बहुत बड़े प्लेयर हैं तो मतलब बात भी नहीं करी कभी मैंने उनसे, मतलब हाय हेलो हुई थी बस, तो उन्होंने नेट में ही देखा था मुझे। तो जब मैं 25 खेल रहा था डेज, तब मेरे पास उनका कॉल आया था कि एक बार क्या नाम है तू मुंबई चला जा, और मतलब अभिषेक नायर सर है वहाँ पे, वो तुझसे मिलना चाहते हैं। तो तब मैं 25 के बाद वहाँ पे मुंबई गया था अभिषेक नायर सर के पास, तब उन्होंने मुझे वहाँ पे देखा था, जो वहाँ प्रैक्टिस वगैरह के लिए बुलाया। हाँ जी, फिर आईपीएल में नेट बॉलर गए। हाँ जी, उसके बाद मैं आईपीएल में नेट बॉलर गया था, और तुम्हारी जहां तक मुझे पता है तुम्हारी सीधा नेट बॉलर से पिक हुए थे, तो हाँ जी केकेआर के लिए। हाँ जी, वो ऐसा था जीटी के लिए गए थे ना फर्स्ट, जीटी के लिए नेट बॉलर, वो ऐसा था भैया कि मतलब जब मेरे को नायर सर ने देखा पहले दिन, देखते ही मतलब उन्होंने मुझे बोला था कि क्या नाम है हमारा राशिक सलाम उस टाइम पे था कि उसका थोड़ा इंजरी का वो चल रहा है, कि अगर वो इंजर्ड होता है तो हम तुझे ले लेंगे, तो मुझे तो बिलीव नहीं हुआ कि ये बोल रहे हैं कि ले लेंगे, तो मुझे तो इतना आसान, क्योंकि ऑक्शन वॉक्शन टीम वीम सब बन चुकी थी, मुझे पता नहीं था इतना सब, तो क्या नाम है उन्होंने बोला ऐसे, तो फिर उन्होंने मुझे बोला तू एक काम कर नेट बॉलिंग केकेआर से ही कर ले, तो मैंने बोला सर मतलब जीटी से बात हो रखी है कि नेट बॉलिंग के लिए, तो मैं नेट बॉलिंग वहीं से करूँगा, तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है अगर ऐसे मतलब राशिक सलाम की हमारी इंजरी मतलब ज़्यादा बढ़ती है कुछ होता है तो हम तेरे को क्या नाम है अगर पिक करेंगे तो तू आ जाएगा, मैंने कहा ठीक है भैया आप अगर आप मुझे पिक करोगे तो मैं नेट बॉलिंग छोड़ के आ जाऊँगा। और थे फास्ट बॉलर और नेट बॉलर जीटी के। हाँ जी, फिर वहां पे जब जीटी में था किसका कॉल आया कि सिलेक्शन होगी? जीटी में ऐसा था भैया मतलब हमारी प्रैक्टिस चल रही थी, तो हम बॉलिंग वॉलिंग करके मैं और प्रदीप सांगवान भैया जल्दी वापस आ गए थे, तो हम जल्दी वापस आके अपनी रिकवरी कर रहे थे पूल में, तो क्या नाम है तब मेरे पास अभिषेक नायर सर का कॉल आया था कि कल सुबह तेरी ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेंगे हम कि तुझे खरीद रहे हैं हम, तो मतलब पहले तो मुझे लगा कि यार ऐसे कैसे एकदम से हो सकता है, तो फिर उन्होंने बोला, हाँ उन्होंने कॉल करके सिर्फ यही बोला कि हम तुझे कल खरीद रहे हैं और सुबह 9 बजे अनाउंस कर देंगे, ठीक है, मैंने कहा ठीक है भैया, मैं इतना बोल के फोन काट दिया, मुझे भी समझ नहीं आया कि मैं क्या बोलूं, मतलब एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया, कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या बोलूं, तो फिर मैंने सांगवान भैया को बताया, कहते अच्छा बहुत अच्छी बात है, तो फिर ऐसे स्टार्ट हुआ था भैया। घर पे बताया? हाँ घर पे, मतलब सबसे पहले मैंने पापा को ही कॉल किया था, तो हाँ जी मतलब मेरे को भर भी नहीं बोला उन्होंने कुछ कि बहुत अच्छी बात है,
उन्होंने बस ये बोला बहुत अच्छी बात है और ठीक है फिर बात है। फिर मैंने मम्मी को कॉल किया, मम्मी रोने लग गई, मम्मी बहुत खुश हुई, बहन बहुत खुश हुई। मतलब मेरे पापा इतने एक्सप्रेसिव नहीं है, होती है थोड़ी, पापा इतने एक्सप्रेसिव नहीं है, तो मम्मी रोने लग गई। तो मैंने बोला रो क्यों रहे, तो खुशी की बात है, मतलब बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा हो रहा है तो। फिर जब गए तब शायद पहले सीजन दो ही मैच मिले थे। हाँ जी, पहले सीजन दो ही मैच खेला था भैया मैं। और ये तुम्हारी सेलिब्रेशन की वो क्या था, बहुत वायरल हुआ था जो फर्स्ट विकेट ली थी आईपीएल की। सेलिब्रेशन भी ऐसा था कि जितना मतलब डेब्यू मैच था, एक तो मेरा वानखेड़े में था। किसके लिए थे डेब्यू? मिचेल मार्श भैया। हाँ जी, तो डेब्यू मैच था और हमने लो स्कोर ही बनाया था, 140 या 50 130 कुछ ऐसा ही था। तो मतलब ये प्रेशर था कि हाँ भाई आउट करना है जल्दी। तो उधर से उमेश भैया ने पहले ओवर में ही आउट कर दिया पृथ्वी को, पृथ्वी शॉ को। तो मुझे हुआ कि भैया ने भी आउट कर दिया यार, मुझे भी अच्छी बॉल डालनी है, मुझे ये था। तो जैसे ही मैं अपने मतलब बॉलिंग मार्क पे पहुंचा, तो हमें को इतना ये नहीं था कि क्राउड इतना तेज चिल्लाता है, मैं बॉलिंग मार्क पे खड़ा हूँ, मुझे ये नहीं था कि, मुझे ये था कि चौका छक्के लगने के बाद चिल्लाएगा क्राउड। और मुझे ये, जैसे ही मैंने बॉलिंग स्टार्ट करी, मैं रन अप ले रहा हूँ और पीछे से आवाज आ रही है, मतलब तो मेरे को बहुत ज्यादा वो हो रहा है कि यार बॉल तो फेंक दे दो कम से कम। तब थोड़ी नर्वसनेस बहुत ज्यादा, खुशी भी होती है बहुत ज्यादा। हाँ जी, तो वो था कहाँ पे? वानखेड़े भैया। तो पहली बॉल उसने मुझे मारा, तो मुझे लगा ठीक है मारेगा ये, तो मतलब जाएगा मेरे लिए। दूसरी बॉल उसने मुझे चौका मारा, तो दूसरी बॉल जब चौका मारा ना, मुझे सच में ऐसा लगा कि भाई आज तो मेरी धुलाई है, ये मारने के मूड से खड़ा है और मेरी पिटाई है आज, ये मेरा डेब्यू मैच भी है और लास्ट मैच भी है। और तीसरी बॉल पे मुझे विकेट मिली, तो वो स्क्वायर लेग पे आउट हुए थे, वेंकी भैया ने कैच पकड़ी थी। और वो सेलिब्रेशन ऐसा था भैया, मुझे ही नहीं पता मैं कहाँ भग गया, समझ नहीं आ रहा नहीं भैया, मतलब विकेट मिली और मैं ऐसे भगता चला गया। मतलब हमारा ड्रेसिंग रूम था उधर और मैं ड्रेसिंग रूम की तरफ ही भगता चला गया। राणा भैया पीछे भाग रहे, रिंकू भैया पीछे भाग रहे। बहुत बढ़िया। फिर ये इस साल दो ही सीजन, ओ दो ही मैच खेले थे आईपीएल के, फिर हुई थी रणजी ट्रॉफी। हाँ जी, उसके बाद रणजी ट्रॉफी खेला था भैया। रणजी ट्रॉफी कैसी रही? रणजी ट्रॉफी भैया मेरा बहुत अच्छा सीजन गया था। मतलब मैं दिल्ली के लिए हाईएस्ट विकेट टेकर था उस सीजन, मतलब मैं 5 मैच खेला था और मेरी 21 विकेट थी। हाँ जी, और उससे आगे चांसेस भी मिले। नेक्स्ट ईयर केकेआर के मेन बॉलर थे यार, शुरू से ही खेले थे तब तो मैच? नहीं शुरू से नहीं भैया, एंड के 6 मैच खेला था मैं लगातार 6 के 6। और फिर रणजी ट्रॉफी में कैसा रहा एक्सपीरियंस? वो तो फर्स्ट टाइम गए होगे। रणजी ट्रॉफी भैया बहुत अच्छा था, मतलब लाल बॉल का तो मुझे कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था कभी कि लाल बॉल खेलते कैसे हैं। फर्स्ट टाइम था वो, पहली बार लाल बॉल डेज मैच, पहली बार सीधा रणजी ट्रॉफी खेला था। उससे पहले कभी क्लब क्रिकेट में भी डेज मैच नहीं खेला भैया, प्रैक्टिस वगैरह मैच वगैरह नहीं। 40 ओवर के जैसे मैच होते हैं अपने, लाल बॉल से वही खेले। दिल्ली में तो होते ही नहीं डेज के मैच, और रणजी का भी ट्रायल मैच कुछ भी नहीं। ट्रायल मैच तो जैसे मतलब 2 दिन के होते हैं भैया, की एक दिन एक टीम ने बॉलिंग कर ली। जैसे 4 दिन का प्रॉपर मैच में कभी नहीं खेला था वो, सीधा रणजी। हाँ, सीधा रणजी ट्रॉफी का मैच खेला था। और उसमें भी मतलब मेरे डेब्यू मैच में क्या नाम है, पहले इनिंग में मैंने 4 आउट किए थे। मतलब असम के खिलाफ खेला था मैं पहला मैच, और उन मतलब ये उन्होंने क्या, मैंने 4 आउट किए तो 9 आउट हो गए थे उनके, उन्होंने डिक्लेयर कर दी। मैंने सोचा यार 5 हो जाती, 5 भी पूरी नहीं हुई, मैं डेब्यू में 5 हो जाता। तो कोई अभी तक 5 विकेट नहीं दी पर? नहीं है, वो लास्ट मैच में 10 विकेट मिली थी एक मैच में। अच्छा, दोनों इनिंग में? हाँ, एक में 7 और एक में 3। हाँ जी, बढ़िया। फिर मैं एक चीज पूछना चाहता था मेरे समझ से भी, जब आईपीएल का डेब्यू हुआ था तो उससे एक दिन पहले किसी ने कुछ बताया था भैया? मतलब मेरी बात चल रही थी कि खेलेगा खेलेगा खेलेगा, तो मेरे को 2 दिन पहले बता दिया था। और मुझे इस चीज का पता था कि अगर एक दिन पहले बताएंगे मुझे नींद तो आनी है नहीं, सोया तो मेरे से जाएगा नहीं। तो मैं बहुत वो ग्रेटफुल हूँ कि मुझे 2 दिन पहले पता लग गया था कि मैं खेलूंगा, कि उन्होंने मतलब ऐसा माहौल बना दिया था कि गेट रेडी। हाँ जी, कि आप खेल सकते हो। मैं जैसे मतलब ये मैच है, इससे पहली रात आराम से सोया हूँ, उससे पहली रात मैं सोया ही नहीं भैया। इसलिए नहीं सोया कि मैच से पहली रात मैं आराम से सो पाऊँ, कि मैं मैच खेल पाऊँ अच्छे से। और अंदर मन में भी बहुत कुछ चल रहा था बहुत ज्यादा, ऐसे इतना मेन मैच है, मतलब आपके लिए तो यार ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम सीधा आके इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे खिला दिया। हाँ जी, नर्वसनेस भी बहुत ज्यादा भैया, बहुत ही ज्यादा। और कभी कोलकाता में मैच खेले? कोलकाता में भैया कभी खेला ही नहीं मैच, मतलब सीधा आईपीएल ही खेला था। उसी की बात करोगे, उसका मैच खेले आईपीएल का कोलकाता में? मतलब सेकंड सीजन इस साल खेला था मैं, क्या नाम है, मेरा डेब्यू इस साल का पहला मैच वही था, ईडन गार्डन्स में था। और वहां के लोग तो क्रिकेट के पीछे खूब दीवाने। हाँ जी, वहां का क्राउड मतलब फुल पैक रहता है ऑल टाइम, किसी के साथ भी मैच हो मतलब वो केकेआर को सपोर्ट फुल ऑन करते हैं।
और उनके आगे खेलने का एक्सपीरियंस कैसा था? उनके आगे खेलने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, क्योंकि आप वहाँ पे मतलब मार भी पड़ती है एज अ बॉलर, बट वो कभी मतलब डाउन नहीं फील कराते आपको, मतलब हमेशा आपको फुल सपोर्ट, हाँ जी फुल सपोर्ट करते हैं, और शोर भी बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, हाँ जी आई गेस बाकी ग्राउंडों से ज्यादा ही होगा जब मैच खेलते हैं। उनके स्टैंड्स भी मतलब बिल्कुल ग्राउंड के क्लोज है, मतलब वो दीवारें वीवारे नहीं है, तो बहुत ज्यादा फील होता है वो। ठीक है, फिर जब सेकंड ईयर आया केकेआर का, हाँ जी, तो पहले से उन्होंने जब 6 मैच के बाद उसमें से बेस्ट परफॉर्मेंस क्या रही थी आईपीएल की, और बता दिया था कि हाँ मेन बॉलर आई गेस बाद के 6 मैच में मेन बॉलर ही लेके चल रहे थे। हाँ जी, मतलब उन्होंने मुझे इतनी अश्योरिटी दे दी थी कि क्या नाम है, आप ही खेलोगे, आपको ही करना है मतलब टीम के लिए जो भी करना है, मतलब मेरा मेन रोल ये था कि मुझे पावर प्ले में विकेट निकाल के देनी है, तो मतलब मेरे को हर मैच में मतलब पावर प्ले में विकेटें मिली हैं शुरू में, तो मेरे को यही था भाई करके भी दिखा। हाँ जी, फिर वो जब मेन बॉलर इतनी बड़ी रिस्पांसिबिलिटी भी दी, फिर थोड़ा कंफर्टेबल तो हो गए टीम के, मतलब पहला मैच खेला, मैं पहले मैच में था प्रेशर, जीटी के खिलाफ खेला था पहले मैच में, तो शुरू में मतलब जब मेरे को हार्दिक भैया की विकेट मिली, पहली विकेट मिली मेरे को, उसके बाद मेरे को ऐसा हुआ कि हाँ ठीक है चल विकेट मिल गई और बहुत ही बड़े प्लेयर की विकेट मिली है, तो तब जाके थोड़ा वो हुआ, वरना उससे पहले मैं शुभमन भैया को बॉल डाल रहा था, तब भी मेरे को यूं था कि हाँ करना है अच्छे से। अभी तक आईपीएल में सबसे टफ बैट्समैन कौन लगा जिसके आगे बॉल डालते हुए लगा हो कि भाई ये मार सकते हैं या पहला आखिरी मैच भी हो सकता है? टफ बैट्समैन भैया, मतलब वो मैं बच गया था उस दिन, कि क्या हुआ मतलब हमारा राजस्थान के खिलाफ मैच था, मारे तो उसमें यशस्वी ने भी रन थे, बट मेरे को यूं था कि बटलर मारेगा, मतलब बटलर उस मैच में रन आउट हो गया था, मैंने उसको सिर्फ 2 ही बॉल फेंकी थी, मतलब उस मतलब दूसरी बॉल पे रन आउट हो गया था वो, बट मुझे ये था कि ये मेरे को मतलब मारेगा, क्योंकि डिफिकल्ट है भैया, वो पल्लू भी मारता है, स्कूप भी मारता है, सब कुछ भी मार देता है वो। और सबसे टफेस्ट बैट्समैन यही लगा था अभी तक? अभी तक मैंने जितनी बॉल डाली है मुझे यही था कि मेरे को इससे काफी वो था बटलर। हाँ जी, और हर्षित भाई अब जैसे केकेआर में ऑलमोस्ट सारे यंग प्लेयर्स है, हाँ जी, तो ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा रहता है? ड्रेसिंग रूम का माहौल भैया अच्छा ही रहता है, मतलब सब मतलब भैया तो हैं ही मतलब सीनियर, वो सब समझा के रखते हैं, बट जैसे मतलब हम सारे यंग प्लेयर्स हैं तो आपस में सबकी बॉन्डिंग काफी अच्छी है, तो मतलब लाइट माहौल रहता है सबका। तो अभी तक कोई ऐसा प्लेयर है जिसने काफी गाइड किया और हेल्प करा हो, सिखाया हो? मैं चाहता हूँ अगर कुछ सिखाओ तो भाई प्लीज शेयर करें। भैया मतलब जैसे पहले साल था मैं, तो पैट कमिंस बहुत ज्यादा मतलब ऐसे मतलब समझाता रहता था कि किस लेंथ पे बॉल डालनी है, क्योंकि आपने देखा होगा भैया उसकी इंटरनेशनल क्रिकेट में भी हर जगह वही लेंथ है, तो वो लेंथ पे उसके साथ मैंने बहुत काम किया है कि किस लेंथ पे हमें आईपीएल में बॉल डालनी चाहिए, और वो मतलब आईपीएल के साथ साथ लाल बॉल की भी बताता था कि क्या करना चाहिए। अच्छा, और भाई जिस मैच में रिंकू भाई ने 5 छक्के मारे थे और जितवाया था, सबसे पहले आगे भाग के तुम ही गए थे, तो उतनी खुशी तुम्हें भी थी? भैया मतलब वो एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये चीज हो सकती है या हो जाएगी, मतलब वो मैच में खेल नहीं रहा था, तो मैं मतलब नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच था, तो मैं ऊपर बैठे हुए थे मैच देख रहे थे, तो और नीचे मतलब डग आउट था, तो अच्छा उस मैच में स्क्वाड में नहीं थे? नहीं स्क्वाड में था, बट जैसे सामान वगैरह मंगाने के लिए, तो क्या नाम है भैया जैसे लास्ट ओवर में रन चाहिए थे, क्या नाम है 31 रन चाहिए थे शायद, या पता नहीं 29 कुछ ऐसे ही चाहिए थे। हाँ, तो पहली बॉल पे उमेश भैया ने सिंगल दिया रिंकू भैया को, और फिर 5 छक्के तो मतलब स्ट्रेट अवे चाहिए थे कि भाई 5 छक्के मारने ही पड़ेंगे, कुछ था ही नहीं कि 5 छक्के लग जाएंगे, हम अपने आराम से सामान वामान उठा के कि ठीक है चलो पैक करते हैं कि अब तो हार ही गए मैच, मतलब हमने भी होप्स छोड़ दी थी, बट रिंकू भी खड़े हुए थे तो मतलब नीचे वालों को तो होप्स थी बट हमने छोड़ दी थी, तो पहला छक्का लगा, ठीक है पहला छक्का लगा, हम फिर भी बैठे रहे आराम से कि ठीक है लग जाता है एक छक्का, तो दूसरा छक्का लगा तो हमें यूं हुआ कि चलो नीचे चलते हैं सामान रख के अपना पैक करके हाथ वाथ मिला के आ जाएंगे थोड़ी देर में, दूसरा छक्का लगा, इतने तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में काफी ज्यादा स्टेयर्स हैं, तो बड़ा स्टेडियम है, इतने हम नीचे पहुंचे, इतने में तीसरा छक्का लग गया, तो 2 पे 2 छक्के रह गए। हाँ। हमें भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि 2 पे 2, फिर भी हम यूं होते कि एक ना एक मिस हो ही जाती है, कि एक मिस हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर चौथा छक्का लगा, फिर लास्ट बॉल पे चाहिए था, फिर यूं हो गया कि भाई अब लग सकता है छक्का, पर फिर भी कहीं ना कहीं मन में थी कि एक बॉल मिस हो ही जाती है, तो जब मतलब लास्ट छक्का उन्होंने मारा तो मतलब जितने लोग ड्रेसिंग रूम में बैठे थे और हम सब मतलब खुशी के मारे पागलों की तरह सिर्फ भगते चले गए, किसी ने कुछ नहीं सोचा, मतलब बस जाके उठा लो उनको बस। हाँ यार वो तो बहुत तगड़ी इनिंग्स खेली, मतलब वो नेक्स्ट लेवल इनिंग्स थी उनकी।
अब तो काफी बढ़िया भी कर रहे यार, छोटे ऐसे लगे रहे। हाँ जी। और भाई अब तो आई गेस मिचेल स्टार्क भी आ रहा है तुम्हारी टीम में, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एक्साइटेड हो भाई उसके साथ बोल डालने। हाँ जी, मतलब इतने बड़े प्लेयर और मतलब काफी मतलब सीखने की, और मतलब यूं भी है कि हाँ उनके साथ खेलेंगे तो हमें भी मतलब ये रहेगा कि कैसे क्या करना चाहिए क्रिकेट में। एंड आई होप भाई कि आप दोनों ही मेन बॉलर हो, पहला ओवर वो डाले दूसरा आप डालो। थैंक यू भैया। और भाई आपकी जर्नी तो देखो काफी ब्यूटीफुल थी, अब थोड़ा ना माहौल को चेंज कर दे, आपको खिलाएंगे हम एक गेम, इसका नाम है कड़वा गेस। गेम के रूल्स में आपको भी बता दूं। हाँ जी भाई, गेम के रूल्स कुछ ऐसे है, मैं आपको दो फोटोज दिखाऊंगा और एक क्वेश्चन है, आपको क्रिकेटर गेस करना है। आधी फोटो देख रही होंगे, ठीक है भैया, ठीक है। अगर सही आंसर किया तो ये नहीं पीना पड़ेगा, आज करेले का नहीं है, थोड़ा बेटर है क्यूकम्बर का, खीरे का, ठीक है। गलत किया तो पीना पड़ेगा। एक बार फोटो दिखा दो प्लीज। रविंद्र जडेजा। बड़ा इजी है यार, कैसे रखते हो तुम। चलो भाई दूसरा भी दिखा दो। ये मुश्किल है भैया, या फिर ये इजी है। मुश्किल है, मैं थोड़ा बता देता हूँ, मतलब मुश्किल है थोड़ा, ये नहीं पता भैया कौन है। देख ले भाई, अगर थोड़ा टाइम चाहिए वरना याद ज्यादा भर रखे हैं, वरना आधे तक भी पी ले भाई चलेगा। विराट कोहली। नहीं भाई गलत, आप पी लो फिर मैं बता दूंगा आपको। वैसे ट्राई एक ही भी और टाइमर भी होता है काम करता हूँ भैया, पी लेता हूँ, ये तो पता नहीं, मैं खुद बता रहा हूँ यार बहुत ज्यादा है, आधा पी लो कोई नहीं चलेगा, बताना जरूर है कैसा। क्या बात है, ज्यादा टेस्टी था क्या? कुछ था ही नहीं भैया, तो नॉर्मल तो ट्राई कर ले तो एक बार जरा। क्या बनाया भाई ये था ये पीने लायक। चलो और इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना। और भाई लास्ट क्वेश्चन है, विच प्लेयर इज आल्सो नोन एज मिस्टर आईपीएल। भैया सुरेश रैना। हाँ भाई ये वाला एक ठीक था, पर फिर भी तुमने पिया है। और शिद भाई शुरू में जैसे चांसेस नहीं मिले, फिर जब आईपीएल वगैरह खेल गया है उसके बाद इंडिया 23 में नाम आया था, और दिलीप ट्रॉफी और तीसरी में कौन सा देवधर ट्रॉफी, देवधर में आपका नाम आया था, तो इनके एक्सपीरियंस कैसा रहा? और पापा खुश हुए थे कि जब इंडिया 23 में नाम आया? हाँ उस दिन मतलब खुश हुए थे, क्योंकि एक वो इंडिया का बैच जब मिलता था मिला है तो मतलब काफी ज्यादा मतलब बड़ी बात थी, मतलब तब खुश थे वो। हाँ जी तब खुश थे, बट अभी आई गेस मेन इंडिया जल्दी खेलने वाले हैं आप। और फिर एक ये बताओ, एक तुम्हारी लड़ाई हुई थी वहां पे बांग्लादेश के गए सौम्य सरकार के साथ, हाँ जी, इतना क्या हीटअप हो गया था भैया? वो मतलब जब हम बैटिंग कर रहे थे तो वो मतलब आर्ग्यूमेंट्स कर रहे थे, मतलब जब मैं और यश ढुल बैटिंग कर रहे थे तो तब वो हमें मतलब काफी ज्यादा पोक कर रहे थे, तो उसके बाद फिर हमें भी यही था कि हम भी करेंगे, हमारी फील्डिंग आएगी तो, क्योंकि हमने ज्यादा स्कोर नहीं बनाया था, मतलब जल्दी आउट हो गए थे, 50 ओवर का मैच था तो ज्यादा रन नहीं बनाए थे, तो मैच था सेमीफाइनल मैच था तो हीटेड तो होना ही था, बट हमारे सर थे सुतांशु कोटक, तो उन्होंने मतलब जाने से पहले ये बोला था कि कोई लड़ाई नहीं करेगा अंदर, बट हम तो सब हम सारे मतलब हमारे मन में था, हमारे मन में था कि हम मतलब करेंगे कुछ ना कुछ, तो वो एज सच कुछ यूं नहीं था कि हमें उसे कुछ कहना ही है, तो वो आउट हुए पहली नहीं, एक डाउन द लेग उन्होंने चौका मारा, फिर दूसरी बॉल पे आउट हुए वो, तो हम नॉर्मली सेलिब्रेट कर रहे थे, तो वो हुआ क्या, मैं सेलिब्रेट करता हुआ बिल्कुल उनके मुंह के सामने से निकल गया, तो उन्हें लगा कि मैंने उन्हें कुछ बोला है, तो उन्होंने मुझे कुछ बोला, फिर उस चीज पे वो हीटेड होते गए, बहुत ज्यादा हीटअप हो गया। हाँ जी बहुत ज्यादा हो गया था। नहीं वो थोड़े से होते यार अग्रेसिव ना ये लोग, मैंने देखा हमारे एशिया कप पे भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, और शायद यशस्वी वाले में तो लड़ाई भी हो गई थी आपस में, यशस्वी वाले में या डुल वाले में मेरे को याद नहीं है एग्जैक्टली। और यार आपने बैटिंग में देवधर में नहीं दिलीप दिलीप में 8वें नंबर पे जाके 100 भी बनाए। हाँ जी हाँ जी, और आई गेस 8वें नंबर पे जाके 100 बनाना एक बहुत बड़ी बात है, तो ये बैटिंग शुरू से ही अच्छी करते हो या बाद में जाके इंप्रूव हुई है? वीआर शुरू से आपको बताइए, बॉलरों का होता ही है बैटिंग करने का, सबको वो होता है कि बैटिंग करनी है, तो मैंने देखा हाँ सारे बॉलरों में ना वो होता है कि बैटिंग करा दो। तो ऐसा था शुरू से, बट कभी बैटिंग पे इतना ध्यान नहीं दिया था, बट पापा मेरे को बोलते थे कि तू अगर बैटिंग पे ध्यान देगा तो काफी जल्दी चांसेस मिलेंगे, क्योंकि
ऑलराउंडर बहुत जल्दी ऊपर के। हाँ जी, और भाई इतने लंबे छक्के मारते हैं ऐसे भैया, मतलब अब जाटा के बालक छक्के ना मारेंगे तो कौन मारेगा। क्या बात है भाई, और ऐसा शरीर लेके भी छक्के ना मारे फिर भाई मैं भी थोड़ा डिसअपॉइंट हूं यार। नहीं भाई बहुत बढ़िया। अब यार थोड़ा ये बताओ, जैसे तुम मीडियम पेसर हो, हाँ जी, आई गेस इंजरीज वगैरह भी बहुत होती है। अभी जैसे मेरी शिवम मावी से भी बात हो रही थी, उसकी भी काफी इंजरी प्रोन बॉडी है, नबी आई गेस आपके भी थोड़ी सी निकल चल रही है, जल्दी ठीक हो। हाँ जी, तो इससे डील कैसे करते हो यार? भैया डील मतलब, एक इंजरी अगर एक स्पोर्ट्स पर्सन को होती है तो मेंटली ज्यादा इफेक्ट होता है फिजिकली से, क्योंकि मेंटली बहुत टाइम लगता है क्या नाम है इंजरी में। तो बस वही है कि अपने आप मतलब रिहैब तो करते ही रहते हैं, बट मेंटली आप जितना अपने आप को फोकस रखोगे कि हाँ अपने आप में बिलीव रखोगे कि हाँ मैं जल्दी से ठीक होके कम बैक करूंगा, तो उतनी जल्दी आप रिहैब मतलब हील करोगे। और रूटीन क्या रहता है इंजरी फेज में? सिर्फ रिहैब और ट्रेनिंग और हर चीज देखनी पड़ती है? हाँ जी भैया सब, मतलब कि टाइम टू टाइम रिहैब चल रहा है कि ये रिहैब क्या पैटर्न है और ट्रेनिंग का पैटर्न ये है, तो उसमें फिजियोज का बहुत ज्यादा रोल रहता है कि कैसा वो संभाल रहे हैं। भैया प्री मैच रिचुअल मेरे ज्यादा नहीं रहते, मैं बस सोचता हूँ अपने माइंड में कि कल मैं क्या कर रहा हूँ, कि मुझे क्या करना है कल, कि मतलब मैं इतना नहीं सोचता कि मेरे सामने कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा, कि मतलब जो मेरी अच्छी चीज है मुझे वो करनी है। मैच से पहले एक दिन पहले मैं बस ये सोचता हूँ अपने माइंड में कि मुझे कल कहाँ बोल डालनी है, क्या करना है और किस बैट्समैन को, मतलब इसको ऐसे बोल डालनी है। मेरे मन में कभी ये नहीं आता कि कौन सी टीम। हाँ जी बस, ज्यादा कुछ नहीं होता भैया। विजुलाइजेशन वगैरह करते हो? भैया इतनी नहीं करता, बस थोड़ी देर सोचता हूँ कि मुझे क्या करना है मैच में बस। और जब ऑफ सीजन होता है और फुली फिट, उसकी प्रिपरेशन कैसे रहती है, मतलब कितने टाइम जिम रहता है, क्या प्रैक्टिस रहती है? भैया ऑफ सीजन में बढ़ जाती है सारी चीजें, क्योंकि क्या नाम है वो एक टाइम ऐसा होता है कि आप अपने आप को बेटर करने में लगते हो, कि जैसे मतलब ऑफ सीजन में मेरा ऐसे रहता है भैया कि क्या नाम है ग्राउंड ट्रेनिंग के मतलब दिन अलग होते हैं और जिम ट्रेनिंग के दिन अलग होते हैं और बॉलिंग के अलग। जैसे जिस दिन मैं ग्राउंड ट्रेनिंग कर रहा हूँ उस दिन मैं बॉलिंग करूंगा, जिस दिन मैं जिम ट्रेनिंग कर रहा हूँ उस दिन सिर्फ मैं ट्रेनिंग को दूंगा। अच्छा, हाँ जी पूरा दिन ट्रेनिंग? हाँ जी, दो टाइम ट्रेनिंग करनी है, बॉलिंग नहीं डालनी उस दिन। और मील वगैरह कैसे रहता है? मील वगैरह भैया अब जैसे ये है कि मतलब गाँव में भी आपको पता देसी खाना तो होता ही है, तो वो तो रहता ही है, बट जैसे कि एक मतलब जो भी मतलब हमारे ट्रेनर्स होते हैं वो हमें बताते हैं कि आपको क्या न्यूट्रिशन लेना चाहिए, कैसे आपकी प्रोटीन डाइट पूरी करनी है, तो वो जो बताते हैं उन चीज पे ध्यान रखते हैं भैया। ये भी बट एक टाइम पे जाके समझ आता हाँ जी है शुरू में, क्योंकि किसी को भी नहीं पता। हाँ जी बिल्कुल। तो इस बारे में भाई आप कुछ कहना चाहोगे, जैसे कई यंग लोग आपको देख रहे हैं और आगे जाके देखेंगे कि जो क्रिकेट शुरू कर रहे हैं या खेल रहे हैं मीडियम पेसर है, उनको कैसी डाइट इस टाइम पे, जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है उनको क्या फॉलो करना चाहिए? भैया उनको फॉलो मतलब अगर आप डाइट पर्पस से पूछो तो मतलब कि लोग क्या गलती करते हैं मेरे हिसाब से, कि जैसे शुरू में बहुत ज्यादा चीजों में घुस जाते हैं, जो उनकी मेन चीज होती है ना वो उस चीज को छोड़ के दूसरी चीजों पे शिफ्ट हो जाते हैं, उसमें फिर उनकी चीजें मतलब लाइफस्टाइल एक चेंज हो जाता है। हाँ जी मेरा ये मानना है भैया कि मतलब आपकी जो चीज है ना, कि जैसे मैं गांव से हूँ भैया कि देसी खाना है सब कुछ, तो मैं उस चीज पे कभी वो नहीं करता कि मेरे को खाना है तो खाना है, क्योंकि मुझे शुरुआत से उसी चीज से पावर मिली है, तो मैं उस चीज पे और बाकी जो फिर मेरे फिजियो ट्रेनर मुझे बताएंगे वो मैं साथ करता हूँ। और भाई आपने कभी सुपर ओवर डाला है? सुपर ओवर नहीं भैया। भाई बट आज यहाँ हम खिलाएंगे, ठीक है? सुपर ओवर हमारा एक रैपिड फायर है, छह क्वेश्चन है उसमें, उसका एक वर्ड में आंसर। हाँ जी। योर मोटिवेशन? भैया माय फादर। बैंगलोर और दिल्ली? दिल्ली। छोले भटूरे और घर के आलू के पराठे? घर के आलू के पराठे। और ड्रीम ग्राउंड जा खेलना चाहते हो? भैया लॉर्ड्स। विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर? विराट कोहली भैया। और ड्रीम वेकेशन डेस्टिनेशन? वेकेशन डेस्टिनेशन भैया ऐसे तो बहुत सारी हैं, बट एक जहां मेरे को मन लो कि जाना ही जाना है, लंदन जाना मेरे को बड़ा मन है भैया। और भाई मैं चाहता हूँ यार, बहुत यंग लोग हमारे वीडियोस देखते हैं और जो कोई क्रिकेट खेल रहा है, मैं चाहता हूँ उनके लिए कुछ बोलो कि कैसे वो अपनी पेस वगैरह बढ़ाए, अगर कोई किसी की इतनी पेस भी नहीं, उन्हें क्या करना चाहती, तो चाहता हूँ कि थोड़े टिप्स वगैरह दो आप बताएंगे जरूर। मैं भैया ऐसे ही बताना चाहूंगा कि मतलब जितने भी मतलब फास्ट बॉलर्स हैं, कि मतलब बॉलिंग पे ज्यादा ध्यान दें आजकल के लोग, मतलब ट्रेनिंग पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, मतलब आप
मैंने भी बहुत इंटरव्यू सुने हैं पुराने क्रिकेटर्स के, और मतलब मेरा भी ये मानना है कि आजकल के बच्चे बॉलिंग करके उतना खुश नहीं होते, ट्रेनिंग पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो आप जितने बॉलिंग करोगे उतने आपकी बॉलिंग मसल डेवलप होगी और आपकी स्पीड या आपकी एंड्योरेंस बॉलिंग करने की उसी चीज से बढ़ेगी। ट्रेनिंग बहुत अच्छी चीज है, वो साथ साथ में चलनी चाहिए, बट अगर आप बॉलिंग नहीं करोगे तो उससे फायदा नहीं मिलेगा बॉलिंग में। ठीक है, और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मेरे भाई। थैंक यू भैया, थैंक यू टाइम निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। सो इट्स अ रैप फॉर टुडे, एंड ये एक बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी थी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि वीडियो तो बहुत लोग देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे।